हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए ताइवान लेकर, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल मक्खन मलाई का कपड़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये क्या रेट मिला ये भी आपको बताना जा रहा हूँ, और कहाँ से लिया वो भी, और जो वेंडर है दिल्ली का जिस दुकान से हम लेकर आए वो भी। क्योंकि पिछली बार में जो कपड़ा मंगाया था मैंने वो सूरत से मंगाया था, इस बार जो कपड़ा मंगाया है लिया है मैं दिल्ली से लाया हूँ, ठीक है। तो कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई, मैंने इसे अभी खोल के रख लिया है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हम लेयर बनाने जा रहे हैं इसकी, ये ताइवान के नाम से है, बिल्कुल मक्खन की तरह इसमें चिकनाहट होगी, बिल्कुल चिकना कपड़ा होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये कहाँ से मैंने लिया उसकी डिटेल मैं दे दूंगा। ये सेलमपुर के पास से लिया है, कुछ रोल ये लगे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में, और इसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में जो रेट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, यानी कि जो मैंने सूरत से मंगाया था ये उससे महंगा है। और उस दुकान पे जब मैं उससे बात कर रहा था उसने बताया कि उसके पास ताइवान 4-वे एक और था जो खत्म हो चुका था, वो हल्की क्वालिटी का था, उसका रेट और कम था। तो इसलिए जब भी आप जाएं तो सबसे पहले आप GSM वगैरह जरूर चेक करें, इसका क्या डिफरेंस होता है, प्राइस में ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। क्योंकि अगर आपकी शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो आपका लास्ट तक पीस महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा एवरेज कितना आता है। ये जो लाया हूँ 260 GSM का कपड़ा है, ठीक है, 260 GSM का कपड़ा है, और ये मुझे दिल्ली से मिला है 280 रुपये, ठीक है। जो कि मैंने पिछली बार आपको वीडियो दिए थे उसमें मुझे मिला था 258 रुपये, ठीक है। तो इसमें 22 रुपये का अंतर है, लेकिन ये GSM के हिसाब से बढ़िया कपड़ा है, उससे भारी कपड़ा है, और ये बिल्कुल मक्खन की तरह है। और इस वीडियो में, या हो सकता है 2 वीडियो लगें, मैं पूरा प्रोसेस इसका दिखाऊंगा, आपका लास्ट में कॉस्ट क्या आने वाली है वो भी। जो लोग नए हैं या जो लोग सीखना चाहते हैं या जो लोग सेटअप डालना चाहते हैं, आज की वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको कितना रुपया पीस पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में हम वजन भी करेंगे और जो हम कटिंग करने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लेयर तो स्टार्ट कर दी, अब मैं लेयर का जो है स्टैंड वगैरह ये है, ठीक है। ये मशीन लेयर लगाने के काम आती है, इससे क्या होता है कि आपका एवरेज जो इस मशीन से जो एवरेज है वो अच्छा हो जाता है, और जो आपका कॉस्ट है कॉस्ट कम हो जाती है। तो जो लोग नए हैं वो स्टार्टिंग में अपना नीचे स्टार्ट कीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि उस स्टार्टिंग में धीरे धीरे ऐसे ही करते थे, उसके बाद धीरे धीरे लेयर लगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हिसाब बनता है तो बड़ी मशीनों में आ गए, और ऐसा बहुत सारा है। अगर जो भाई इस कपड़े से अपना स्टिकर बनवाना चाहता है, स्टिकर है या अपना लोगो बनवाना चाहता है, अपना ब्रांड बनवाना चाहता है, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो दोस्तों, हमने जो है लेयर लगाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। लेयर मशीन है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, इससे जो लेयर कटती है आप देख ही सकते हैं कि मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, कितनी प्यारी लेयर कटती है, जरा सा भी वेस्टेज नहीं जाता। और ये जो कपड़ा मैंने आपको बता ही दिया है ताइवान का है, लास्ट में ये भी बताऊंगा जिस आदमी से लिया है उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसमें लेयर है, और कपड़ा जो कपड़े की जो क्वालिटी आप देख रहे हैं, तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ है, और कितना अच्छा इसमें एक तरीके से कह लीजिए बहुत ज्यादा मलाई की तरह है ये कपड़ा। तो जो भी भाई इसमें बनवाना चाहता है या अपना खुद का ब्रांड बनवाना चाहता है तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो कॉस्ट भी है लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हैं कटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, वो सिर्फ वीडियो के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें यहाँ पर बुलाना, आपको बुला के समझाना वो पॉसिबल नहीं है। जब वो पॉसिबल होगा तो हम आपको बता देंगे, क्योंकि बहुत लोग कटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, बिजनेस करने के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहता हूँ। उन लोगों से सिर्फ यही है कि मैं जो हूँ आपको वीडियो के थ्रू तो कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल यहाँ पे बुला के आपको या बुला के आपको सिखाना समझाना ये पॉसिबल नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल आपको पैटर्न भी बनाऊंगा इसके ऊपर, तो जो भी चीज़ें हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में करता था पहले ही मार्किंग कर लेता था, एक पल्ले पे कर लेता था, उसके बाद में करता था, लेकिन अब वो मुझे याद है कि पल्ला कितना रखना है, कितनी लंबी लेयर लगानी है, वो सब मेरे को क्लियर हो चुका है। तो जैसे जैसे आपको क्लियर होगा आप धीरे धीरे वैसे जाएं, लेकिन मेथड सबसे शुरू में वही है कि एक पल्ले पे आप निशान लगा लें, और अगर नया डिजाइन काट रहे हैं आप या जो चीज़ आपको नया है तो मैं उसके लिए सबसे पहले आप उसकी थोड़ी सी स्टडी कर लें कि उसमें आपको पॉकेट रखना है, कितना काटना है, लंबाई क्या रखनी है, सारी चीज़ें देख लें। तो अभी मैं आपको पहले सैंपल ही दिखा दूंगा। तो दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आपको बनाना है पहले आप उसके बारे में देख लें। तो हम आपको बनाने जो जा रहे हैं वो इस टाइप का बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम पहले सबसे पहले पीछे से बात कर लेते हैं
तो हम इस टाइप का कुछ पॉकेट देंगे, यहाँ पे चेन देंगे, ठीक है, उसके चेन के नीचे आपका ये होगा और इसकी सिलाई होगी, इस टाइप से होगा। पीछे का लुक ऐसा आएगा, ठीक है, आगे से फ्रंट से वही सेम रहेगा। और हमने ये मार्केट से मंगाया है, तो आपको जो भी है अपना खुद का ब्रांड बनाना है वो बनवाइए। यहाँ पर हम छोटी सी चेन देने वाले हैं, यही डिजाइन ले लेने वाला है, लुक लेने वाला है। उससे पहले हम ये सोच रहे थे हम कुछ इस टाइप का बनाएं, या नेक्स्ट टाइम हम कुछ इस टाइप का बनाएंगे। उसका पॉकेट और इसका पॉकेट में देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर जींस की तरह कट लगे हैं, ठीक है, इस टाइप से लग जाते हैं और ये पॉकेट बन जाता है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कि मोबाइल का इशू आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे चेन लगा दी। तो जो भी भाई इस टाइप का है, तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर ले कि हमें डिजाइन कौन सा बनाना है, चेन कितनी रखनी है, तो ये सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं लेयर लगाने से पहले। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेयर लगाने से पहले अपना लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, उसके बाद लेयर लगाता हूँ। तो जो भी भाई काम करना चाहता है, तो भाई जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसकी पूरी मदद की जाती है। और मैंने एक्चुअली बना लिया था पूरा, काट दिया, आप लोग वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमने जो है काटा। ठीक है, मशीन रोक देता हूँ। और इसमें मैंने जितना भी निशान लगाया, मैं ये बेसिकली ये करता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं इस पे लेयर को देख रहे हैं, देखिए मैं पहले धीरे धीरे करता था, लेकिन मैं साथ साथ कागज लेके चलता हूँ कौन सा इंच कितना रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ, जिस भाई को भी कटिंग सीखनी है या समझनी है मेरे पास आकर, तो देखो पॉसिबल नहीं है, स्पेस कम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे जितनी भी जानकारी है मैं आपको दूँ। तो इसलिए मैंने जो ताइवान कपड़ा है, ताइवान कपड़ा बनाया है, और इसमें कितने पीस निकल रहे हैं ये भी मैं आपको दूंगा। अभी मैंने सिर्फ तीन कलर काटे हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ये तीन कलर काटे हैं। तो इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा, इसमें कितना पीस निकले हैं और ये क्या रेट पड़ने वाला है, ये सारी डिटेल के लिए मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा और इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। और इन दोनों वीडियो में मैं आपको होलसेलर का नंबर दूंगा, होलसेलर का नाम है वाहिद मलिक, ठीक है, सेलमपुर के सामने मार्केट है जाफराबाद, उसको आगे उस थोड़ा सा आगे जाके है, तो वहाँ से वो है, वहाँ वो वेंडर है, उनके पास बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। बेसिकली मैं आपसे सबसे यही बोलता हूँ, वैरायटी तो बहुत है, ठीक है, जैसे कि मैं इसमें लाया था ताइवान सस्ता भी था, महंगा भी था, और भी इससे महंगा था, इससे सस्ता भी था। जिस टाइप की क्वालिटी आप डालेंगे उस हिसाब का आपका मार्केट बनेगा, तो अच्छी क्वालिटी में बनाएंगे अच्छा बनेगा। मैं धीरे धीरे आपको अपडेट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं हल्की क्वालिटी में जाता था, अब ताइवान बिल्कुल मलाई की तरह कपड़ा है, ये मलाई की तरह छूने से ही इसको ऐसा फील आ रहा है कि वाकई में क्या चीज़ है, ठीक है। और इसमें कितने पीस निकलने वाले हैं, ये जो एवरेज वाली बात आती है, सबसे बड़ा खेल यही है, सबसे ज़्यादा काम आपको यहीं से करना पड़ेगा एवरेज निकलना, क्योंकि जो कपड़ा हमने 258 रुपये लिया था उसमें पीस भी ज़्यादा निकले थे, ये एक तो महंगा भी है और पीस भी कम है, इसलिए कॉस्ट बिल्कुल बदल जाएगी। और एक लोअर की क्या कॉस्ट रहने वाली है वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। और जिसमें वेंडर, जो भी आप लोगों की बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि भाई नंबर बता दो, अब नंबर मैं ओपनली देना स्टार्ट कर दूंगा। और बने रहिए वीडियो में, क्योंकि इन दो वीडियो में, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, कहीं ना कहीं आपको नंबर दे दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ साथ। थैंक यू सो मच।